You cannot redeclare a variable, but over here you look at this function which is sum two numbers. आप जब पहली दफा इस function को call कर रहे हैं तो आप यहाँ पे integer number one और integer number two को declare कर रहे हैं. उसके बाद जब आप इस sum two numbers वाले function को दोबारा call कर रहे हैं तो दोबारा आपकी लाइन नंबर सिक्स के अंदर ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं. सो व्हाई डिडंट यू गेट एन एरर. और मैं यहां पे एक और पॉइंट आगे जाना चाहूंगा इन सच अ वे कि मैं मेन के अंदर दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर करना चाहूंगा. लेट्स कॉल दोज वेरिएबल्स एज नंबर वन, जिसके अंदर वैल्यू मैं रखता हूं लेट्स से 8, और एक वेरिएबल नंबर टू जिसके अंदर मैं वैल्यू रखवाना चाहूंगा 7, और मैं अपने प्रोग्राम को चलाना चाहूंगा. असूलन तो ये होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम जो है उसको ये कहना चाहिए कि ऑलरेडी नंबर वन और नंबर टू सम टू नंबर्स के फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है. यू शुड नॉट बी अलाउड टू रीडिक्लेयर दीज वेरिएबल्स. बट इफ आई रन दिस प्रोग्राम यू वुड सी द प्रोग्राम स्टिल रन्स. और क्योंकि यहाँ पे मैंने सम टू नंबर्स दो दफा कॉल किया हुआ है तो पहले हम यहाँ पे लेट्स से 5 और 9 एंटर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 10 और 20 जब एंटर करते हैं तो दो दफा आपका प्रोग्राम भी चलता है. वी नाउ वांट टू सी कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस ऑर्डर में चल रहा है नंबर वन और नंबर टू, ये वेरिएबल्स जो है ये किस एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के लिए क्रिएट होते हैं. इन शॉर्ट हम एक टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं विच इज नोन एज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. एक वेरिएबल का लाइफ स्पैन क्या होता है, एक वेरिएबल जो है वो कब क्रिएट होता है और एक वेरिएबल जो है वो कब डिस्ट्रॉय होता है. लेट्स ट्राई टू ऐड अ फ्यू सी आउट स्टेटमेंट्स ओवर हियर. हम यहाँ पे पहले एक सी आउट स्टेटमेंट लिखने लगे हैं विच इज आई एम इन मेन फंक्शन. हम यहाँ पे एक और सी आउट स्टेटमेंट लिखने लगे हैं आई एम इन सम टू नंबर्स का फंक्शन. हम यहाँ पे ये भी देखने लगे हैं कि ये जो नंबर वन है इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है और ये जो नंबर टू का वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है. बिफोर रनिंग द प्रोग्राम लेट मी जस्ट कमेंट दिस स्टेटमेंट आउट ताकि आपको ये ना पता चले कि एग्जैक्ट आउटपुट क्या है. यहां पे आप इस वक्त मेन फंक्शन में है बिकॉज ऑफ लाइन नंबर 17. देन यू हैव डिक्लेयर टू वेरिएबल्स नंबर वन एंड नंबर टू. फिर आपने सम टू नंबर्स का फंक्शन कॉल किया एंड बिकॉज ऑफ दिस यू गेट दिस आउटपुट दैट आई एम इन सम टू नंबर्स वाला फंक्शन. ये वाली आउटपुट जो आपको नजर आ रही है. इसके बाद आपको सी आउट मिलती है एंटर द नंबर्स. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये जो हाईलाइटेड है कोड की और ये जो हाईलाइटेड इस वक्त आपको नजर आ रही है आपकी आउटपुट के कंसोल पे कि यूजर इनपुट आपने करनी है यहां पे. दिस इज बिकॉज ऑफ लाइन नंबर 10. लाइन नंबर 10 के ऊपर जब मैं यहां पे इनपुट करता हूं तो मैं इनपुट कर रहा हूं नंबर वन में 5 और नंबर टू में मैं इनपुट कर रहा हूं 9. अब आप ये देखेंगे कि आपको आउटपुट मिलेगी यहां पे सम की विच इज 14. जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप ये देखेंगे कि योर प्रोग्राम डिस्प्लेस दिस रिजल्ट सम इज इक्वल टू 14 विच इज दिस आउटपुट ओवर हियर एंड देन द फ्लो कम्स बैक टू लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 20 में आपने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया हुआ है जिसकी वजह से आपको यहां पे एक मैसेज मिलता है which is I am in sum two numbers वाला function again. So you are again back in this function, ये वाला function. अब अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको दोबारा एक message मिल रहा है which is enter two numbers. तो enter two numbers के against आप यहाँ पे input अब देंगे number one और number two के against. Let's say अब जो मैं input दे रहा हूँ that is 10 and 20. अब number one और number two में input क्या आ गई है 10 and 20. आपको sum के against output क्या मिलेगी 30. एंटर कीजिए यहां पे. तो लास्ट में मैंने नंबर वन और नंबर टू में क्या इनपुट कराया 10 and 20. वी वॉन्ट टू सी कि क्या ये 10 और 20 जब आप यहां पे मेन में आउटपुट कराएंगे तो इज दैट द एक्चुअल वैल्यू जो कि आपको आउटपुट होके मिलती है या नहीं. लेट्स ट्राई टू सी. इस वक्त मैंने ये आउटपुट नहीं की यहां पे. लेट्स रन आर प्रोग्राम अगेन. पहली इनपुट जो आ रही है वो है 5 and 9. दूसरी दफा जो इनपुट आ रही है वो है 10 और 20. सो देर माइट बी सर्टन स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लग रहा हो कि अब आपके नंबर वन और नंबर टू में शायद 10 और 20 चला जाए. बट इफ आई रन माई प्रोग्राम तो यू वुड सी कि नंबर वन और नंबर टू में 8 और 7 ही पड़ा हुआ है. दिस मीन्स दैट समथिंग एल्स इज हैपनिंग. व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? वो करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे विच इज नोन एज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. हम ये देखना चाहेंगे कि एक वेरिएबल का लाइफ स्पैन क्या है.
एक वेरिएबल कब क्रिएट होता है और एक वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है. स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड बाय द कर्ली ब्रैकेट्स विद इन विच अ वेरिएबल इज डिफाइंड. तो अगर आप यहां पे देखें तो कर्ली ब्रैकेट्स आपको ये बताएंगे कि आपका एक वेरिएबल जो है वो कब क्रिएट हुआ है और कब वो डिस्ट्रॉय होगा. इमेजिन कीजिए कि आपने यहाँ पे लेट्स से एक फंक्शन बनाया हुआ है और वो फंक्शन है आपके पास यहाँ पे मेन. मेन के अंदर आपने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो है नंबर वन एंड नंबर टू, और उसके अंदर जो आपने वैल्यू रखवाई हुई है वो है एट एंड सेवन. तो जल्दी से आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम मेन के वेरिएबल्स लिख लेते हैं. मेन का जो पहला वेरिएबल है वो है नंबर वन और दूसरा वेरिएबल है इसका नंबर टू. नंबर वन में वैल्यू पड़ी हुई है एट, नंबर टू में वैल्यू पड़ी हुई है सेवन. ये जो दो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं इनका जो लाइफ स्पैन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट लोकेशन जहां पे आपने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है एंड इट वुड एंड एट दैट पॉइंट जहां पे इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कर्ली ब्रैकेट खत्म हो रही है. सो अगर आप देखें यहां पे तो इस फंक्शन के अंदर ये पर्टिकुलर जो दो वेरिएबल्स हैं नंबर वन और नंबर टू ये डिफाइन हुए हैं एक कर्ली ब्रैकेट में जो कि लाइन नंबर 16 पे स्टार्ट हो रही है और ये एंड होंगे उस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर जाके जो कि लाइन नंबर 23 के ऊपर लिखी हुई है. अगर आप देखें यहां पे तो सम टू नंबर्स के फंक्शन को जब आपने कॉल किया है तो दैट इज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू. तो पहली बात तो ये है कि जब सम टू नंबर्स वाला फंक्शन कॉल होगा तो यू आर एंटरिंग अ फंक्शन विच इज एट लाइन नंबर फोर, और अगर आप गौर करें यहां पे तो लाइन नंबर फोर के नीचे लाइन नंबर फाइव से लेके लाइन नंबर 13 तक एक नया स्कोप बना हुआ है, एक नए सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स हैं. दिस वुड मीन कि आप जब आएंगे यहां पे सम टू नंबर्स वाले पहले फंक्शन की कॉलिंग के ऊपर तो इसके स्कोप के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं वो उस वक्त क्रिएट होंगे वेन एवर दे आर क्रिएटेड, और वो उस वक्त डिस्ट्रॉय होंगे जैसे ही आप यहां पे एंडिंग कर्ली ब्रैकेट को हिट करेंगे. सो लेट्स कम बैक टू आवर प्रोग्राम. अगर आप देखें यहां पे तो लाइन नंबर सेवन के ऊपर आप आके यहां पे नंबर वन और नंबर टू को क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आप वैल्यूज रख रहे हैं जीरो एंड जीरो. नंबर वन गेट्स डिक्लेयर्ड, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है जीरो. नंबर टू गेट्स डिक्लेयर्ड, इसमें वैल्यू पड़ी हुई है जीरो. ये नए वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, इनका मेन वाले नंबर वन और नंबर टू से कोई ताल्लुक नहीं है. हर जब आप एक फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं वो नए वेरिएबल्स होते हैं जिनका पुराने फंक्शन के वेरिएबल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. इनको हम कहते हैं हर फंक्शन की एक अलहदा स्टैक होती है. सो स्टैक एक्चुअली वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट का एल्गोरिदम. वो वेरिएबल जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी जो कि सबसे बाद में डिक्लेयर्ड हुआ, जो लास्ट में इन हुआ है. सो इस वक्त लास्ट में जो इन हुए हैं वेरिएबल्स नंबर वन और नंबर टू वो सम टू नंबर्स वाले वेरिएबल्स हैं. ये सबसे पहले आउट होंगे विच मीन्स के ये सबसे पहले डिस्ट्रॉय होंगे. रीजन उसकी ये है कि आप अभी देखेंगे यहां पे कि ये जो सम टू नंबर्स वाला फंक्शन है इसकी एंडिंग कर्ली ब्रैकेट आप पहले हिट करेंगे एज कंपेयर टू मेन वाले फंक्शन की. आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर एक सम का वेरिएबल भी डिक्लेयर हो रहा है जिसके अंदर वैल्यू हमने रखी हुई है जीरो. तो सम का वेरिएबल भी एक यहां पे डिक्लेयर हो रहा है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है हमारी जीरो. अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे वापस. यहां पे हम यूजर से दो नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, सम करा रहे हैं और सम को डिस्प्ले करवा रहे हैं. ये सारे स्टेप्स जो है वो यहां पे करते हैं. हम अपनी एग्जाम्पल वाली वैल्यूज ही लेते हैं. नंबर वन में फाइव, नंबर टू में नाइन, सम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो होगी 14. और जैसे ही आप यहां पे सम को डिस्प्ले कराएंगे विच मीन्स के आप लाइन नंबर 12 का डिस्प्ले कराने के फौरन बाद लाइन नंबर 13 के ऊपर जब आएंगे तो यू वुड सी कि यू हैव एंडेड द स्कोप ऑफ योर फंक्शन, विच मीन्स के जितने वेरिएबल्स आपने यहां पे डिफाइन किए हुए थे विद इन द स्कोप ऑफ सम टू वेरिएबल्स वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. द वेरिएबल्स वुड गेट डिस्ट्रॉयड. आप ये देख रहे होंगे कि इसके बाद हमने सम टू नंबर्स वाला फंक्शन दोबारा कॉल किया है विच इज दिस वन विदाउट एनी डिले. अब हमें ये पता है कि इस सम टू नंबर्स वाले फंक्शन के अगेंस्ट दोबारा ये वेरिएबल्स रिक्रिएट होंगे. उसकी वजह यह है कि पिछले वेरिएबल्स का या किसी और फंक्शन के वेरिएबल्स का नए फंक्शन के कॉल्स के वेरिएबल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. व्हाट दिस मीन्स इज कि जब आप यहां पे इस दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे विच मीन्स के लाइन नंबर 20 के ऊपर जो फंक्शन पड़ा हुआ है जब आप इसको कॉल करेंगे तो यहां पे दोबारा सम टू नंबर्स का फंक्शन जो है वो कॉल होगा
दोबारा आपके पास यहाँ पे एक नंबर वन डिक्लेयर होगा, उसके अंदर स्टार्ट में वैल्यू पड़ी होगी जीरो। नंबर टू यहाँ पे आपके पास एक डिक्लेयर होगा, स्टार्ट में उसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी जीरो। सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, स्टार्ट में उसमें भी वैल्यू पड़ी होगी जीरो। आप यूजर से जब इनपुट लेंगे तो लेट से आप नंबर वन में इनपुट लेते हैं 10, नंबर टू में इनपुट लेते हैं 20, सम के अंदर इनपुट आएगा 30। जैसे ही आप यहां पे सम को डिस्प्ले करवाएंगे, विच मीन्स दैट यू आर एट लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 13 को हिट करते साथ ही आपके इन वेरिएबल्स का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। विच मीन्स के आप अगर वापस आए यहां पे, तो एज सून एज यू हिट लाइन नंबर 13, ये वाले वेरिएबल्स भी सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब अगर आप अपने फंक्शन के ऊपर वापस आए, तो जैसे ही लाइन नंबर 13 के बाद आप वापस आते हैं, तो आपको यहां पे सी आउट मिलता है नंबर वन एंड नंबर टू। सो अब आप किस फंक्शन के अंदर हैं? मेन वाले फंक्शन के अंदर। सो मेन वाले फंक्शन के स्कोप के अंदर नंबर वन और नंबर टू के अगेंस्ट वैल्यूज क्या पड़ी हुई है? 8 and 7। दैट इज वाई आपको वापस आके जो नंबर वन और नंबर टू में वैल्यू मिल रही होती है, दैट इज 8 and 7। नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम अगेन विद दिस नॉलेज एट आवर बैक एंड। तो आप ये देखेंगे कि 5 और 9 एंटर करने के बाद सम आया 14, 10 और 20 एंटर करने के बाद सम आया 30, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर वैल्यू 8 और 7 इसलिए पड़ी हुई है बिकॉज नाउ वी नो व्हाट इज द आइडिया ऑफ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल।